झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट का फायदा। साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले टेट परीक्षा में अगर झारखंड के स्थानीय निवासी पास किए हैं तो वैसे अभ्यर्थी ही आचार्य नियुक्ति का फॉर्म भर सकेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि अगर 3 वर्षों के अंदर जेटेट का आयोजन नहीं होती है तो चयनित शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर को जारी कर स्थिति अस्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 3 महीने तक सहायक आचार्य नियुक्ति को यह कहकर रोक लगाई गई है कि सीटेट समेत अन्य राज्यों से टेट पास किए झारखंड के स्थानीय निवासियों को फॉर्म भरने का मौका मिले और परीक्षा की तैयारी की जा सके। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से जे टेट परीक्षा का आयोजन झारखंड में नहीं होने की वजह से यह फैसला कोर्ट ने वादियों के पक्ष में लिया है। सीटेट या अन्य स्टेट टेट पास वाले झारखंड के स्थानीय निवासी ही इस आचार्य नियुक्ति परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे। 3 साल के अंदर अगर जे टेट की परीक्षा ली जाती है तो चयनित शिक्षकों को स्थानीय भाषाओं की परीक्षा में अपनी दक्षता साबित करने को लेकर पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षा पास करनी होगी, नहीं किए जाने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर के बाद सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। राज्य के 65,000 सहायक शिक्षक संप्रति पारा शिक्षकों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनके वेतनमान को लेकर ठोस निर्णय नहीं ले रही है। सरकार चाहे तो आकलन, जेटेट, सीटेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दे सकती है, जैसे अल्पसंख्यक विद्यालयों में सरकार ने बगैर टेट पास शिक्षकों की नियुक्ति की है। पारा शिक्षकों ने सरकार से अपील करते हुए यह भी कहा कि आकलन परीक्षा और जेटेट परीक्षा पास पारा शिक्षक स्थानीय भाषाओं में भी अपनी दक्षता साबित कर चुके हैं। इस आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान बगैर किसी अटकलों के दी जा सकती है। पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षकों का चयन तत्कालीन सरकार के निर्देश पर ग्राम शिक्षा समिति से की गई थी। इसके बाद प्रखंड शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा विभाग से विभागीय अनुमोदन कर अंतिम मुहर लगाने के बाद चयनित पारा शिक्षकों को विधिवत प्रशिक्षण देकर विद्यालय में योगदान कराया गया था। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप ग्राम सभा का सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए पारा शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में की गई थी। राज्य के पारा शिक्षकों का यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार के इच्छा शक्ति के बदौलत ही नियमावली मिली है। इसी नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि सरकार द्वारा गठित प्राधिकार से की गई है। सेवा संपुष्टि के बाद सरकार की ही एजेंसी झारखंड अधिविद परिषद यानी जैक द्वारा पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा लिया गया। ऐसे में अब आकलन परीक्षा में सफल हुए हजारों पारा शिक्षकों द्वारा वेतनमान की मांग बिल्कुल उचित है, जबकि सरकार के शिक्षा विभाग करीब 18 वर्षों से आज भी ग्राम शिक्षा समिति से बहाली होने और रोस्टर का हवाला देकर पारा शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। पारा शिक्षकों ने सीधे तौर पर कहा है कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार राज्य में भी इसी फॉर्मेट में हुई है, जिसे दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पहल पर ही इस नियमावली को अपनाया गया। बिहार और झारखंड के नियमावली में विभागीय पेच का तनिक अंतर दर्शाया गया है, ताकि वेतनमान की जगह अल्प मानदेय देकर ही पारा शिक्षकों से काम लिया जाए। राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन को विभागीय पेच पर गौर फरमाते हुए वेतनमान पर पुनः मंथन करने और चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा किए जाने की अपील किया है।
अब देखना यह होगा कि राज्य के पारा शिक्षकों की चीर लंबित मांग वेतनमान का सपना कब तक साकार हो पाती है।